गेट मीटिंग शुरू है। तुम्ही पाहिली असेल की गेट मीटिंग आज एक नंबर हुतात्मा चौक म्हटलं जातो त्याला, त्या हुतात्मा चौकामध्ये गेट मीटिंग घेतली जाते। म्हणजे त्या हुतात्मा चौकामध्ये गेट मीटिंग घेतली जाते। म्हणजे विचार करा मित्रांनो की आज पुढे काय होणार आहे त्यांचा। दुसरी गोष्ट यांची हिटलरचे बघा मित्रांनो, गेट मीटिंग आजपर्यंत इतिहासामध्ये एक नंबर इव्हिक्शन जर कधी झालेली नाही आहे, ही गेट मीटिंग आज तिथं करण्याचं काम चाललंय। तीन गेट मीटिंग झाल्या मित्रांनो यांच्या, तीन गेट मीटिंग यांचं काम लागलेलं आहे मित्रांनो। यांची बत्ती बुजलेली आहे, यांना दिसते। आज सकाळी आपल्या ऑल इंडिया एसटी भाई त्याचबरोबर आपल्या आरकेच्या भाईंनी यांना सांगितलं, आज पूर्ण संदेश देऊन टाकलेला आहे की यांचं 26 तारखेनंतर 27 तारखेला काय होणार आहे म्हणून। बचपन से हम संविधान पढ़ते आ रहे हैं। संविधान में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तीन बातें हमें सिखाई जाती है, स्वातंत्र्य, समता और बंधुता। जब हम स्वातंत्र्य, समता और बंधुता की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने स्वातंत्र्य की बात आती है। साथियों, इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम सब कर्मचारी यहां मिलकर सब साथ साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, झूमते हैं, लेकिन सामने वाली सरकार को सबसे बड़ा उनकी सत्ता रोकने के लिए हमारे कर्मचारी साथियों को आपस में बैठने को मनाई की जा रही है। किसी समारोह में, शादी के समारोह में मिलने की मनाई की जा रही है। ये क्यों हो रहा है सर? उनको सत्ता का घमंड आ गया है साथियों। उन्हें जो सत्ता मिल रही है 110 साल से एक ही सत्ता उनके हाथ में है, उनको सत्ता जाना देना नहीं हाथों से। वो इतने घमंड आ चुका है और उन्हें लगता है कि हमारा घमंड कोई तोड़ नहीं सकता। साथियों, कौन कहता है कि आसमां को छेद नहीं हो सकता?